मॉड्यूल सिक्सटी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट इंडिकेट्स चेंज इन आउटपुट फ्रॉम दूस ऑफ एन अदर यूनिट ऑफ इनपुट वीप होल्डिंग अगर हम उसको मैथमेटिकली डिनोट करें तो हम उसको लिखते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा आउटपुट ओवर डेल्टा इनपुट एंड दिस डेल्टा इंडिकेट्स चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इन फैक्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व अगर हम मार्जिनल जब भी हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को कंप्यूट करेंगे तो इनिशियली क्या होगा कि ड्यूरिंग इनिशियली मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस और फाइनली क्या होगा इट बिकम्स नेगेटिव एज वी मूव अलोंग अ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर अब यहां पर यह जो हम एक हाइपोथेटिकल स्केज दे रहे हैं जो कि डिपिक्ट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट और मेरा यहां पर आउटपुट क्या था आउटपुट इज प्रोडक्शन ऑफ वेट बाई अ फार्मर बाई यूजिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इनपुट

उसको तो हम कहेंगे दिस इज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर कि व्हाट इज चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर अब इस चीज को करने के लिए हम स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं कि हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे ये चीज वहां पे आपको तो क्लियर हो जाएगी अब अगर हम इस कैज को जो कि एक रिलेशनशिप है बिटवीन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड इनपुट के दरम्यान इसको यूज करते हुए हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे कि अगर प्रोड्यूसर मूव करे फ्रॉम कम्बिनेशन ए टू कम्बिनेशन बी तो यहां पे सिचुएशन क्या हो रही है कि देयर इज चेंज इन आउटपुट और चेंज इन आउटपुट जहाँ पे है कितना इट इज इक्वल टू टेन यूनिट और अगर मैं यहीं पे बात करूं चेंज इन अमाउंट ऑफ इनपुट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स देन दिस चेंज इन इनपुट इज इक्वल टू फिफ्टी तो मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा हमने मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट को डिफाइन किया था इट इज चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट और इस केस में ये मेरे पास आ जाएगा इट इज इक्वल टू टेन ओवर फिफ्टी और अल्टीमेटली ये होगा इक्वल टू पॉइंट टू के बाई मूविंग फ्रॉम कंबिनेशन ए टू कंबिनेशन बी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फार्मर का क्या होगा इट इज इक्वल टू पॉइंट टू फिर इसी पैटर्न पर अगर हम बात करें कि फार्मर मूव फ्रॉम कंबिनेशन बी टू कंबिनेशन सी बाई मूविंग फ्रॉम कंबिनेशन बी टू कंबिनेशन सी देयर इज अ चेंज इन आउटपुट और यहां पे अब चेंज इन आउटपुट क्या है कि

इट रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट और यहां पर इसका मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इट इज इक्वल टू पॉइंट फोर और इसी पैटर्न पे चले जी मैं एक और भी आप लोगों के लिए कंप्यूट कर देता हूं कि वट इज मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट बिटवीन कंबिनेशन सी टू कंबिनेशन डी हाँ जी आपको पता है कि वट इज देंज इन आउटपुट बिटवीन दीज टू पॉइंट इट इज इक्वल टू थर्टी चेंज इन आउटपुट बिटवीन दीज टू पॉइंट इंडिकेट देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ वेट बाई थर्टी मार्टर हांकिन यह थर्टी मार्ड्स की इंक्रीज क्यों आई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दूजेज ऑफ फर्टिलाईजर बाई फिफ्टी पाउंडपिंग अदर क्वॉंटिटीज ऑफ इनपुट कॉन्स्टेंट हांजी अब अगर यहां पर मैं इसको कंप्यूट करूं तो क्या आ जाएगा इट इज इक्वल टू थर्टी ओवर फिफ्टी के वट इज चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट बिटवीन दी बिटवीन टू पॉइंट्स और यहाँ भी यह मेरे पास होगा इक्वल टू पॉइंट और मुझे उम्मीद है कि अब इसी पैटर्न पे अब बाकी सारे भी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कम्प्यूट कर लोगे इस टेबल में अब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अगेंस्ट डिफरेंट कंबिनेशन जो कि एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा था अगेंस्ट डिफरेंट क्वानिटीज ऑफ इनपुट हाँ जी अब अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट वाले कॉलम को देखो तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनिशियली मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस हाँ जी किस पॉइंट तक कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज किया है अप टू कॉम्बिनेशन डी देयर इज इंक्रीज इन दैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आफ्टर पॉइंट डी सिचुएशन क्या है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग और उसके बाद क्या हुआ कि अगेंस्ट कंबिनेशन एल द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव कि कंसिस्टेंट यूजेज ऑफ एन इनपुट रिजल्ट इन इनिशियली इंक्रीज इन आउटपुट उस सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि इफ देर इज स्टिल एन इंक्रीज इन इनपुट देर इज इंक्रीज इन आउटपुट एट अ डिक्रीजिंग रेट और अल्टीमेटली ये आपके पास नेगेटिव हो गया अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली रिपोर्ट करें तो इस ग्राफ में हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे ले रहे हैं क्वांटिटी ऑफ द फर्टिलाइजर दैट इज यूज्ड बाय फार्मर और वर्टिकल एक्सिस पे मेरे पास क्या है वी आर रिपोर्टिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और मैक्सिमम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट किस आपके पास ऑब्जर्व हो रहा है व्हेन फार्मर इज यूजिंग वन पाउंड ऑफ फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर और ये आपके पास नेगेटिव कब हो गया वेन फार्मर स्टार्ट यूजिंग फाइव फिफ्टी पाउंड फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर और ये ग्राफ भी आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है इनिशियली मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेस रीच इज एट मैक्सिमम पॉइंट देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग बट इट इज स्टिल पॉजिटिव और अल्टीमेटली क्या हो गया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव अब अगर हम सारे को समराइज कर दें विद रेफरेंस टू एनी एग्रीकल्चरल आउटपुट

पॉजिटिव नंबर और अल्टीमेटली क्या होगा कि एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि जब आप बाकी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो कांस्टेंट रख रहे हो लेकिन एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरी किए जा रहे हो कि यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव हो जाएगा